ए नौजवानों, चिंता मत करना, अब तुम्हारी सरकार आ रही है, तुम्हारा रोजगार सुनिश्चित होगा। अब तुमको संविदा के आधार पर अपमानित नहीं होने दिया जाएगा। तुमको स्थायी सरकारी नौकरी दिलवा करके तुम्हारे मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करते हुए तुमको विकास की राह पर आगे ले जाने काम किया जाएगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री, नगर विकास मंत्री रहे नकुल दुबे जी हमारे साथ हैं। आज की प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की जो संगोष्ठी लखनऊ में संपन्न हुई है, उसमें बड़ा अहम रोल नकुल जी का रहा है। नकुल जी, क्या लगता है 2022 लगता है या कोई संशय ही नहीं है आप आ रहे हैं? 9 जून सन 2005 को जब गोष्ठी हुई थी ना, वो भी संचालन हम ही ने किया था। जो आज सन 2021 में भी संचालन हम ही ने किया है, तो जब हम संचालन कर रहे हैं इसका मतलब ये 2022 में सरकार आ रही है। बीजेपी ने आपकी तर्ज पर ब्राह्मण सम्मेलन शुरू कर दिया है, तो छिटक सकता है आपका? नहीं नहीं, कल गए थे महाराज ना, क्या हुआ है? सब कहने मेरी नौकरी दो। कल जो है मुख्यमंत्री जी गए थे जी। अगवा नहीं मालूम, जानकारी है जी। नहीं तो वो क्लिप हम भेजे हैं जो है। वहाँ गए तो वहाँ के सब लोगों ने पूछना शुरू कर दिया जी। कि भाई वहाँ काशी विश्वनाथ जी ने सारी मंदिर आपने तोड़ डाले हैं, आपने नौजवानों को रोजगार सब खा गए हैं, तो उनका जो उनसे जो सवाल हम तो चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मीटिंग करे और आपकी बीजेपी भी करे और सच्चाई सामने आ जाएगी। तो मीडिया 250 के करीब तो सीटें दिखा रही है बीजेपी की, 100 के करीब सपा की, और 13-14 पे बसपा को सिमटा रही है। अब तो सारी बोल दिया ना, क्षमा कर दीजिए। अब आप एक भाई बिरादर है ना, गलती बात देखिए, ऐसा गलती सबसे होती है। मीडिया वालों की दशा इसको इतनी खराब है। हमारे भाई बिरादर होते तो आज यहाँ खड़े होते हमारे साथ में। हैं तो एबीवी वाले हैं तो अभी। हाँ हाँ, उन्हीं कह रहे हैं ना, आपकी जॉब कह रहे हैं। हाँ, देखिए ऐसा है कि ये तरह की शरारतें सन 2014 से हमारे देश और प्रदेश में चालू हुई। हमारा देश कभी इस तरह की बातों में विश्वास नहीं करता हमारा, लेकिन वही ना कहेगी झूठ 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 झूठ, आदमी का नहीं सच बोल रहा होगा तो उसमें गड़बड़ हो गया। लेकिन आप चिंता ना करिए, अब जनता जान चुकी है, जनता मान चुकी है कि अगर इस प्रदेश को बचाना है तो बहन जी को लाना है, और प्रदेश को चौपट करना है तो तुम जानो तुम्हारा काम। 2022 के लिए युवाओं से क्या अपील करेंगे जो भटक गए? ए नौजवानों, चिंता मत करना, अब तुम्हारी सरकार आ रही है, तुम्हारा रोजगार सुनिश्चित होगा। अब तुमको संविदा के आधार पर अपमानित नहीं होने दिया जाएगा। तुमको स्थायी सरकारी नौकरी दिलवा करके तुम्हारे मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करते हुए तुमको विकास की राह पर आगे ले जाने काम किया जाएगा। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।